अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक उस्मान और आप देख रहे हैं सिर ऑप्शन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि GX6605 के जो छोटे बोर्ड हैं जिनका हार्डवेयर वर्जन 203 से स्टार्ट होता है, उनको आप लोडर की मदद से किस तरह से ठीक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका रिसीवर डेड पोजीशन में है, रेड लाइट पर खड़ा है, या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो रेड लाइट पर चला गया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के दौरान लाइट जाने की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो रेड लाइट पर अगर चला गया, या अगर वो ऑन पे खड़ा है, तो आप उसको किस तरह से जो है आर एस 232 और लोडर का यूज़ करते हुए दोबारा से रिकवर कर सकते हैं, उसको अपनी वर्किंग पोजीशन में ला सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के देख लेते हैं कि किस तरह से आपने इस रिसीवर को दोबारा से वर्किंग पोजीशन में लाना है। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास एक रिसीवर है जो कि मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ अटैच करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें कि ARB सॉफ्टवेयर पे ये आके बिल्कुल रुका हुआ है। तो ये अभी स्टार्टअप पे रुका हुआ है, तो मैं साथ में आपको ये भी दिखा देता हूँ कि रिसीवर यहाँ पर पावर ऑन पे ही बिल्कुल खड़ा है, यहाँ से आगे नहीं जा रहा। तो अब देखते हैं कि रिसीवर की स्क्रीन पर क्या पोजिशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसीवर की स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। तो ये रिसीवर की स्क्रीन है जो कि ऑन पे खड़ा है। यहाँ से आपको इसका मैं बोर्ड नंबर B दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें लाइट ऑन कर लूँ। तो यहाँ पर आपको बोर्ड नंबर क्लियर हो रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि सही तरह से मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। तो ये है इसका बोर्ड नंबर GX6605S-170-30। यानी कि ये छोटे बोर्ड वाला जो आया है रिसीवर GX में, ये वो रिसीवर है। तो करना हमने क्या है कि हमने इसको RS-232 की मदद से रिकवर करना है। तो मैं यहाँ पर आपको RS-232 कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक जैक नज़र आ रहा होगा, ये जैक है, ये बेसिकली खाली होता है। मैंने इसमें अभी RS-232 केबल लगाई हुई है। तो मैं अभी इसको सॉल्डर अपग्रेड करने ही वाला था, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। तो ये वही जैक है जो मैं पहले भी कुछ वीडियोस में यूज़ कर चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पिन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये यहाँ पर इसका कनेक्शन इसके साथ जो मैच हो रहा है वो उल्टा मैच हो रहा है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब ये पावर ऑन पे है, तो यहाँ से मैं पावर ऑफ़ कर देता हूँ इसकी, ताकि जैसे ही मैं अपग्रेड करूँगा इसको, तो ये दोबारा से अपग्रेड हो सके। तो अब हम ओपन कर लेते हैं अपना GX लोडर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि GX लोडर मैं आपके सामने ले आया हूँ। तो GX लोडर को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो यहाँ से आपने चिप टाइप जो है यहाँ पर इसको आपने अदर पे रखना है। हालांकि रिसीवर आपका GX का है, लेकिन यहाँ पर इसको आपने अदर में रखना है। और उसके बाद यहाँ से आपने GX6605S जेनरेटिक S फ्लैश बूट, ये सबसे आखिर में है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से पोर्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने USB 2 RS-232 यूज़ की हुई है, तो इसलिए मैं जेनवन पोर्ट को यूज़ नहीं कर रहा। मैं कम पोर्ट जो है 3 यूज़ करूँगा, जो कि USB 2 RS-232 की है। उसके बाद यहाँ पे सीरियल डाउन है, तो यहाँ से इसको आप चेक कर दें। और यहाँ से आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपके पास पड़ा है इस के मॉडल का, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर तो नहीं पड़ा, लेकिन मेरी USB में पड़ा है, तो मैं USB अटैच कर लेता हूँ और USB से कॉपी करके मैं यहाँ पर ले आऊँगा। तो मैं यहाँ से USB को ओपन करता हूँ और ये सॉफ्टवेयर है, तो इसको मैं कॉपी करके डेस्कटॉप पे पहले रखूँगा, ताकि मुझे इंस्टॉल करने में आसानी हो, क्योंकि इंस्टॉलेशन के दौरान बाज़ औक़ात USB डिसकनेक्ट भी हो जाती है, अगर USB में कोई प्रॉब्लम हो तो उस वजह से। तो ये मैंने सॉफ्टवेयर भी सिलेक्ट कर दिया यहाँ से। अब यहाँ से जस्ट आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं कि ओपन सीरियल फिल, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। तो ये USB 2 RS-232 में कोई प्रॉब्लम आ रही है, शायद उस वजह से ये कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि USB 2 RS-232 को चेक कर लेता हूँ, इसको डिसकनेक्ट करना है और दोबारा से कनेक्ट कर देना है। तो अब चूंकि ये दोबारा से कनेक्ट हुआ है, तो इस मरतबा ये कह रहा है कि आपने रिसीवर की पावर ऑन करनी है। तो मैं रिसीवर की पावर ऑन कर देता हूँ। तो
अभी आपके सामने ये देखें कि ये तमाम चल रहा है राइट साइज़ और ये तमाम चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। मैं साथ में जो मैंने इसकी स्क्रीन ओपन की थी, ये देखें अपग्रेडिंग इसने स्टार्ट कर दी है, इसने इसको रीड कर लिया है कि ये कौन सा बोर्ड है और जो है चिप इसमें कौन सी लगी है, तमाम डाटा ये आपको दिखा रहा है और यहाँ से प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी है। तो जब तक ये अपग्रेड कर रहा है, मैं साथ वाली स्क्रीन पर आपको जो है इजी कैप ओपन करके दिखाऊँगा ताकि जैसे ही ये ऑन हो तो ये जो है आप देख सकें। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मैं सामने ले आता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये 8% पे है तो अभी ये अपग्रेड हो रहा है, तो ये जैसे ही 90+ पे जाएगा यानी कि 90% से ज़्यादा होगा तो मैं दोबारा इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये पूरी वीडियो आपको यहां से अपग्रेडिंग का प्रोसेस दिखाऊं 0 से लेके 100 तक तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपका ज़्यादा वक्त लूं, मैं यही चाहता हूं कि कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाऊँ। तो इस वजह से मैं ये 20% पे इस यहाँ से वीडियो को पेज कर दूँगा और उसके बाद 90% से ज़्यादा होगी तो मैं दोबारा से आ जाऊँगा। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है जो प्रोग्रेस है वो 90% क्रॉस कर चुकी है। आपको तीनों चीज़ें डिस्प्ले पे नज़र आ रही हैं, लोडर के साथ आपको इसकी डिस्प्ले के लिए इजी कैप का डिस्प्ले भी नज़र आ रहा होगा और साइड पे आपको कैमरा डिस्प्ले इसलिए नज़र आ रहा है कि जैसे ही रिसीवर ऑन हो या अगर ऑन नहीं होता तो किस तरह से ऑन होगा वो मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये 100% हो चुका है, बस कुछ ही देर में कम्प्लीट का मैसेज देगा। तो जैसे ही ये कम्प्लीट का मैसेज देता है तो मैं आपको मज़ीद गाइड करता हूँ। तो यहाँ पर बस कुछ ही पल में ये कंप्लीट का मैसेज देगा और कैमरा वाली साइड पे भी आपने नज़र रखनी है ताकि आपको समझ आ सके। ये कंप्लीट आ चुका है और कैमरा वाली साइड आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से ओके किया तो कैमरा वाली साइड पे अभी तक रिसीवर ऑन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं यहाँ से इसको पावर ऑफ़ करता हूँ और पावर ऑफ़ करने के बाद जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ऑन हो चुका है रिसीवर। तो अभी मैं लोडर को क्लोज़ कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको रिसीवर का मेन्यू वगैरह दिखाता हूं, हार्डवेयर वर्जन भी दिखाता हूं ताकि आपको ये समझ आ सके कि मैंने इसमें कौन सा हार्डवेयर वर्जन जो है इंस्टॉल किया है। तो ये मैंने लोडर को क्लोज़ कर दिया और उसके बाद ये मैं मेन्यू का बटन प्रेस करता हूँ। तो अब मैं ज़रा इसके हार्डवेयर वर्जन की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पर हार्डवेयर वर्जन आप देख सकते हैं 203.00.001। तो अब चूँकि मैंने इसमें ये वाला सॉफ्टवेयर किया है तो ये इसमें इंस्टॉल हो चुका है। इसी तरह से आप ये 001 की जगह कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, 012 कर सकते हैं, 009 कर सकते हैं, 017 कर सकते हैं, कोई भी हार्डवेयर वर्जन अगर आप इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं RS232 की मदद से आप कर सकते हैं। USB की मदद से सिर्फ आपने इसके साथ का हार्डवेयर वर्जन इंस्टॉल करना होता है, लेकिन RS232 की मदद से आप इसमें कोई भी हार्डवेयर वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने किस तरह से RS232 की मदद से GX-SL05 के छोटे बोर्ड को दोबारा से ऑन करना है। उम्मीद है तमाम वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ WhatsApp, Facebook और Twitter पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि नेक्स्ट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 1506 बॉक्स में नो मैच फाइल का एरर किस तरह से दूर किया जाता है और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसकी मदद से आप किस तरह से नो मैच फाइल का एरर दूर कर सकते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप मोबाइल की मदद से उसका नो मैच फाइल का एरर दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा ये जो चैनल है मोनोटाइज कैसे हुआ, उसके लिए मैं कुछ ही दिनों में वीडियोज़ अपलोड करूँगा कि जितनी मेरी YouTube के साथ बात हुई और क्या बात हुई और किस तरह से ये चैनल मोनेटाइज हुआ, तो वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरी मज़ीद वीडियोस हासिल करना चाहते हैं इसी चैनल पर तो आप फिर यहाँ पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।